हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे और हेल्दी होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 13, साउंड यानी कि आवाज़। ठीक है, आप देखते होंगे अगल बगल आपके कितने सारे आवाज़ आते होंगे, खासकर शहर में जो लोग रहते हैं वहाँ की जो गाड़ियाँ होती हैं एकदम 24x7 आती जाती रहती हैं। ठीक है, गाँव में कुछ फिर भी शांति होता है, 10 बजे रात के बाद शांति होता है, लेकिन शहर में जब आप देखेंगे सुनेंगे आवाज़ को तो आपका कान क्या हो जाएगा, एकदम परेशान हो जाएगा। वही चैप्टर में देखेंगे साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, प्रोड्यूस यानी कि बनता कैसे है। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं, कैसे ये ट्रैवल करता है यानी कैसे हमारे कानों तक पहुंचता है। ठीक है, और साउंड पॉल्यूशन क्या होता है यानी कि साउंड की वजह से जो पॉल्यूशन होता है जिसे हम नॉइस पॉल्यूशन कहते हैं वो क्या होता है, वो कैसे हार्म पहुँचाता है हमारे इन्वायरमेंट को और हमको, और उसकी वजह से हमको क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं, इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आता है, कह रहा है कि जब स्कूल में आप पढ़ने जाते हैं, जब एक पीरियड दो पीरियड ख़त्म होता है तो कैसे पता चलता है कि आपको लंच हो गया है या छुट्टी हो गया है। जाहिर सी बात है, आपके स्कूल में घंटी लगता होगा, पहली घंटी लगती होगी, दूसरी घंटी लगती होगी, तीसरी घंटी लगती, चौथी घंटी लगती होगी, तो लंच होता होगा। मतलब आप कैसे क्या कर रहे हैं, सुन के यानी घंटी जब बज रही होती है तो उसको सुन के आपको पता चलता है कि हाँ भाई लंच हो गया है, चलो नाश्ता करते हैं, चलो लंच करते हैं। उसी तरह जब आपके रूम में कोई आता है तो उसके पैर की आवाज़ आपको कानों में सुनाई दे देती है कि कोई आ रहा है। ठीक है, समझ जाते हैं, अलर्ट हो जाते हैं, पढ़ना शुरू कर देते हैं। ठीक है, कहीं मान लीजिए आप रूम में क्या कर रहे हैं, मोबाइल पे वीडियो देख रहे हैं, वीडियो में क्या देख रहे हैं, कोई कार्टून वगैरह देख रहे हैं, सिंचन देख रहे हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तब तक पीछे से आपके पापा आ रहे हैं और आपको क्या किया, उनकी पैरों की आवाज़ सुन ली है। आप क्या करेंगे, जल्दी से उसको कन्वर्ट करके लेक्चर में कन्वर्ट कर देंगे, राइट, एजुकेशन में। ठीक है, तो कैसे पता चला, आपको कानों को पता चल गया हाँ भाई कोई आ रहा है, जल्दी से अलर्ट हो जाओ। तो ये आवाज़ हमारे तक पहुँचती कैसे है, कभी सोचा है आपने। इसी तरह से एक और गेम होता है, आँख में पट्टी बांध देते हैं और क्या होता है, दूसरे लोगों को क्या छूना रहता है, उनको मतलब टच करना होता है, अगर कोई उनको टच कर दिया तो वो क्या हो जाएंगे, चोर हो जाएंगे, फिर उनकी नंबर आएगा नहीं। आँखों में पट्टी बांध के लोग आपस में एक कमरे में या एक छोटे से घर में खेलते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, हाइड एंड सीक कहते हैं, मतलब आँखों में पट्टी बांध देते हैं और एक दूसरे को क्या करना, पकड़ना रहता है। तो हम कैसे पकड़ते हैं, हमको दिखता तो है नहीं, तो हम आवाज़ें सुनकर यानी कि जो हमारे दोस्त होते हैं, जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, उनकी आवाज़ को सुनकर हम उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सब हम क्या कर रहे हैं, ये हम इससे हमें ये पता चल रहा है कि साउंड जो है यानी कि जो आवाज़ है वो किसी तरीके से हमारे कानों तक आ रही है, यानी कि हमारे कान को सुनाई दे रही है, फिर हमारा ब्रेन उसको एनालाइज कर रहा है, जान रहा है और पता चल रहा है कि ये साउंड किसका है, इंसान का है कि जानवर का है कि पैरों का है कि घंटी का आवाज़ है। ठीक है, तो फिर कह रहा है जो साउंड है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, भूमिका यानी कि रोल निभाता है हमारे जीवन के, जीवन जाहिर सी बात है, अगर जो बहरे होते हैं यानी कि जो डीप होते हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, सोचो उनके साथ कितनी ज़्यादा दिक्कत होगी, सामने वाला कुछ भी कर रहा है, दुनिया में कुछ भी हो रहा है, उसको कुछ सुनाई नहीं देगा। ठीक है, बेचारे उसको कितना ज़्यादा दिक्कत होता होगा। तो वही कह रहा है कि जिसको भाई सुनाई दे देता है उसको तो भाई अब क्या ही कर सकते हैं, लेकिन जिसको सुनाई देता है उसको तो सब कुछ करता है। तो वही कह रहा है कि साउंड है हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, इसी के मदद से हम क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से, मतलब बातचीत कर सकते हैं। अगला अगर कुछ बोला है हाय, तो आप कहेंगे हेलो, कैसे हेलो किया, क्योंकि आपने सुना कि जो सामने वाला दोस्त है, जो सामने वाला आपका फ्रेंड है, वो आपको हाय बोल रहा है, तो आप भी हेलो बोल सकते हैं। इस तरीके से कह रहा है कि साउंड जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे डेली लाइफ के लिए। फिर कह रहा है कि आप यानी चैप्टर के पढ़ने के बाद क्या करिए, एक लिस्ट बनाइए जिससे आपके अगल बगल से साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा, यानी जैसे अगर आप घर में बैठे हैं, घर में बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, तो जब लेक्चर ख़त्म हो जाएगा तो एक लिस्ट बनाइएगा जिसके द्वारा आपके अगल बगल में साउंड प्रोड्यूस हो रहा होगा। जैसे कि कुछ गाड़ियां जा रही होंगी उनका नाम लिखिएगा। ठीक है, आपके घर में कोई बर्तन माँज रहा होगा या सीटी खाना बन रहा होगा तो उसकी आवाज़ लिखिए, उसका भी तो आवाज़ आपको कानों तक आ रहा होगा। तो ये कह रहा है कि जब ये सब लिखेंगे ना तो आप एक समझेंगे कि ये आवाज़ यहाँ यहाँ से प्रोड्यूस हो सकता है। अब आता है उसी तरह से हमारा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे हमारा फ्लूट हो गया, फ्लूट यानी कि इस तरह के से फ्लूट नहीं रहता है, दिख रहा होगा, बांसुरी जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तबला देखते हैं उसमें से कितना मतलब मीठा आवाज आता है, हारमोनियम, इन सब का यूज़ करके हम एक म्यूज़िक बनाते हैं, एक गाना बनाते हैं, और वही गाना जब सब पूरी तरह से कंपोज हो जाता है यानी कि बन जाता है, फिर जब हम उसको सुनते हैं तो काफ़ी मज़ा आता है, चाहे वो रैपिंग सॉन्ग हो, चाहे वो लव सॉन्ग हो, चाहे वो सैड सॉन्ग हो, चाहे डीजे सॉन्ग हो, कोई भी सॉन्ग हो। ठीक है, तो इसी साउंड का यूज़ करके क्या बनाते हैं, लोग गाना बनाते हैं और वही गाना हम लोग सुनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होता है। अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा कहा गया कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। ठीक है, ये एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है, कैसे हमें सुनाई देता है। ठीक है,
कौन से आवाज तेज होते हैं, कौन से कम होते हैं, इस सारा क्वेश्चन जो है हम अच्छे से जान जाएंगे इस चैप्टर के ख़त्म होते होते, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला टॉपिक आता है हमारा 13.1, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वाइब्रेटिंग बॉडी, यानी कि जो साउंड होता है वो किसी वाइब्रेटिंग के बॉडी के जरिए प्रोड्यूस होता है। अब देखो साउंड यानी कि आवाज़ हो गया, प्रोड्यूस यानी कि पैदा होना, यानी कि साउंड कैसे पैदा होता है, किसके द्वारा, वाइब्रेटिंग बॉडी, बॉडी यानी कि शरीर हो गया, कोई भी चीज़ हो गया, किसी की चीज़ का बॉडी हो गया, स्टील हो गया, आयरन हो गया, लोहा हो गया, कोई भी चीज़ हो गया। अब आते हैं वाइब्रेटिंग का मतलब क्या होता है। देखो वाइब्रेटिंग मतलब होता है झनझनाना, नहीं होता है हाथ कभी कभी झनझनाने लगता है, वाइब्रेट करना माने कि एक सेकेंड में ऐसे ऐसे झिलमिल 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 करना। जब यही चीज़ किस में होगा, आयरन वगैरह में होगा, खासकर किस में, मेटल में होगा, मेटल यानी समझ लेना आयरन हो गया, कॉपर हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन सब में होगा। तो इसका मतलब क्या, साउंड प्रोड्यूस होगा। तो वही यहाँ पर कह रहा है कि अगर कोई भी बॉडी वाइब्रेट करती है, ठीक है, वाइब्रेट यानी झनझनाती है, तो साउंड प्रोड्यूस होगा। यहाँ तक कि आपके बॉडी से भी क्या हो रहा, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। जब आप सांस ले रहे हैं तो आपके अंदर हल्का सा क्या हो रहा, वाइब्रेट हो रहा है, जिसकी वजह से सांस सुनाई देंगी, ठीक है। अगर आप माइक लेंगे और सामने डीजे को कनेक्ट कर दीजिए, जब आप माइक के सामने सांस लीजिएगा, वो भी आवाज़ आपको क्या होगा, सुनाई देगा। यानी कि आपके अंदर से लेके दुनिया की हर वो छोटी चीज़ से आवाज़ निकल रही होती है, ठीक है, चाहे वो प्लानेट हो, यानी कि प्लानेट का भी आवाज़ होता है। आप जब यूट्यूब पे जाएंगे, ठीक है, तो सर्च करिएगा कि जो भी सोलर सिस्टम में प्लानेट्स हैं उनके आवाज़ कैसी होती है, तो वो आपको दिखाएगा, ठीक है। बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ है, सबसे बेहतरीन आवाज़ है जानते हैं किसकी, हमारी पृथ्वी की। हमारी पृथ्वी से अलग अलग तरह की आवाज़ आती है, उसी तरह से मार्स का आता है, वीनस का आता है, हर तरह का अलग आवाज़ आता है। तीसरा में ये पता चलता है कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे ए टू जेड के जेड तक, यानी कि छोटे से लेके बड़े तक, सब के सब क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। किसके द्वारा हुआ, वाइब्रेटिंग के द्वारा। अगर कोई बॉडी वाइब्रेट नहीं कर रहा है तो उसमें से साउंड नहीं निकलेगा, लेकिन ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो वाइब्रेट ना कर रहा हो, मतलब लगभग लगभग हर चीज़ क्या होता है, वाइब्रेट होता है। अब आते हैं अपने बुक वाले इसके पे, कह रहा जो स्कूल का बेल होता है, जब वो चपरासी उसको घंटी मारता है तो हमको सुनाई देता है, कैसे सुनाई देता है अब हम जानेंगे। देखो उसके जाने से पहले यहाँ पर दो एक्टिविटी दिया गया है, मैं उसको समझा देता हूँ। जैसे एक लड़का है यहाँ पर, बहुत चंचल है, क्या कर रहा है, यहाँ पर एक जो पतीला होता है, ठीक है, उस पतीले के हैंडल को रस्सी से बांध दिया है, और क्या कर रहा है, ये चपरासी बनने का ट्रेनिंग ले रहा है। मतलब देखा जाए तो वही कर रहा है ना, घंटी बजा रहा है चपरासी में स्कूल में, मतलब ऐसे बच्चे खेलते हैं, जरूरी नहीं है। तो क्या कर रहा है, उस पेन पे ये लकड़ी मार रहा है, जब ये लकड़ी इस पे मार रहा होगा, ठीक है, तो आवाज़ आएगा, झन झन का आवाज़ होगा। कैसे आवाज़ होगा, क्योंकि जो ये बर्तन है, जो पेन है, ये वाइब्रेट होगा। जैसे ही वाइब्रेट होगा उसमें से साउंड निकलेगा और हमारे कानों तक, हवाओं के जरिए हमारे कानों तक आएगा। अब देखो यहाँ पर एक ट्रिक है, मैंने कहा कि जो साउंड होगा वो कैसे चलता है, हवाओं के जरिए चलता है, क्योंकि हाँ जो हमारा स्पेस है पृथ्वी का, यानी कि जो हमारा पृथ्वी का स्पेस है, जैसे हमारी पृथ्वी है ना, इसके अंदर जो हवाएं चल रही होती हैं हमारे सरफेस लेवल पे, उनमें बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स रहते हैं, मॉलिक्यूल्स यानी कि एटम्स, एटम छोटे छोटे कण रहते हैं, जिसके द्वारा साउंड उनके द्वारा ट्रेवल करता हुआ हमारे कानों तक पहुँचता है, ठीक है। इसे हम ये कह सकते हैं कि पृथ्वी पर कहीं भी अगर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर आप वहाँ उसके दायरे में आते हैं, यानी कि उसके एरिया में आते हैं, तो आपको साउंड सुनाई देगा। यही चीज़ अगर आप स्पेस में चले जाएं, तो स्पेस में मतलब अगर आप यहाँ पर रहते हैं, आपका दोस्त यहाँ पर है, ठीक है, और आप उसके जस्ट बगल में हैं, यानी कि 10 मीटर की दूरी पे हैं, तो कुछ भी बोलेगा आपको सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं सुनाई देगा, वहाँ पर जादू होता है, जादू या ये होता है क्योंकि वहाँ पर हवा नहीं होता है, ना ही कोई मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना ही कोई एटम्स होते हैं, ना ही कोई कण होता है, जिसकी वजह से सुनाई आवाज़ देता ही नहीं। अगर वहाँ ब्लास्ट भी होगा तो सुनाई नहीं देगा, ठीक है। उसको सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक स्पेस वाला इंस्ट्रूमेंट लेना पड़ेगा, एक यंत्र लेना पड़ेगा उस आवाज़ को सुनने के लिए। इसलिए स्पेस में कोई भी धमाका होता है तो हमको सुनाई नहीं देता है, ठीक है, बस उसका इफेक्ट देता है, उसका लाइट हमको दिखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन यही धमाका जब पृथ्वी पे होता है, जब कोई बम फूटता है या कोई पटाखा, दिवाली में जब हम पटाखा फोड़ते हैं तो देखते हैं कितना तेज़ी से हमको सुनाई देता है। क्यों सुनाई देता है, क्योंकि पृथ्वी पे हवाएं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, कण हैं, जिनके द्वारा जो साउंड है ट्रैवल करते करते हमारे कानों तक पहुँचते हैं और हमको सुनाई देता है। तो वही एग्जाम्पल ये बताना चाह रहा है कि ये बर्तन है, जब ये लड़का उसको बजाएगा तो ये बर्तन के बाद हमको सुनाई देगा। उस तरह से यहाँ पर दिखाया गया है, एक ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके साइड पे पेंसिल है और उसको रबड़ से बांध दिया गया है। जब रबड़ को ऐसे मूव करेंगे तो जन जन की आवाज़ आएगा, ठीक है। जैसे अभी अपने हाथ में रबड़ होगा आपके घर में, ठीक है, जो रबड़ आता है ऐसे हाथ में दोनों बांध लीजिए, कि यहाँ से एक यहाँ से, फिर जब उसको ऐसे ऐसे ऊपर नीचे करेंगे तो क्या होगा, उसमें से आवाज़ आएगा, झनझन की आवाज़ होगी। क्यों आवाज़ आएगी, क्योंकि जो रबड़ होगा वो वाइब्रेट कर रहा होगा, वाइब्रेट यानी कि अप डाउन तेज़ी से हो रहा होगा, डन 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 कर रहा होगा इसे, ठीक है। तो
वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। कोई पूछता है आपसे कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, तो वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। और ट्रेवल कैसे करता है, एयर के जरिए या मॉलिक्यूल्स के हेल्प के जरिए। तो जब तक कोई बॉडी वाइब्रेट करता रहेगा तब तक साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ही वाइब्रेटिंग बंद होगा वैसे ही साउंड भी सुनाई देना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान दिमाग में बैठा दीजिएगा कि साउंड कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई दो बॉडी आपस में वाइब्रेट करती हैं, ठीक है, जब लड़ती हैं, धमाका होता है। सिंपली मतलब है वाइब्रेशन से, साउंड इज प्रोड्यूस बाई वाइब्रेशन, बात खत्म। बस इतना ही कहना था, इतना ही समझना था, ठीक है। और कैसे वो ट्रैवल करती है, एयर के जरिए, हवा के जरिए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के जरिए। ये चीज़ स्पेस में नहीं होता है, इसलिए स्पेस में हमको आवाज़ सुनाई नहीं देती है। यहाँ पर देखो और भी एग्जांपल दिया गया है। यहाँ पर एक थाली है, जैसे आप घर में जब खाना बनता होगा थाली लेके जाते होंगे खाना ना, तो आप चम्मच लीजिएगा थाली लीजिएगा, ऐसे जब बजाएंगे थाली में तो बहुत तेज़ आवाज़ आता है। मम्मी लगती है डांटने, क्या कर रहे हो फालतू में, ठीक है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वहाँ भी क्या हो रहा है, वाइब्रेट हो रहा है, जो थाली हमारा है वहाँ पर वाइब्रेशन हो रहा है, जिसकी वजह से साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। लिखा ना, वाइब्रेटिंग डिस्क प्रोड्यूसेस वेव इन वाटर, यानी कि अगर थाली को भी बजाते हैं, कोई भी मेटल्स को अगर आप बजाते हैं, कोई भी चीज़ों को आप बजाते हैं, वाइब्रेट करवाते हैं, तो उसमें साउंड प्रोड्यूस होगा। अगर आप उसके एरिया में हैं तो एरिया क्या होगा, आपके अंडर में आएगा और आपको आवाज़ सुनाई देगा, ठीक है। वैसे यहाँ पर एक तारा है, एक तारा आप समझते हैं ऐसे होता है, गाँव में आते हैं लोग जो बाबा लोग होते हैं वो बजाते हुए आते हैं, ठीक है। तो एक तारा ऐसे होता है, जब लोग बजाते हैं तो इसमें से क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। जो तारे होती हैं ब्लैक कलर की, दिख रहा होगा इसमें तार, वो आपस में ये वाला तार और ये वाला तार आपस में क्या करती हैं, वाइब्रेट करती हैं तेज़ी से, जिसकी वजह से क्या होता है, साउंड उसमें से प्रोड्यूस होता है और काफ़ी अच्छा साउंड प्रोड्यूस होता है, जो काफ़ी प्यारा लगता है सुनने में, ठीक है। वैसे यहाँ पर मटकी दिया गया है, ठीक है, दिख रहा होगा मटकी ना, ऐसे जो क्या बोलते हैं, मिट्टी की जो मटकी बनती है उसको जब आप ऐसे बजाएंगे तो क्या करेगा, टड़क टड़क करके बजेगा, टड़क 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 करके बजेगा, ठीक है। तो ऐसे ही मतलब बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जिसके हम क्या कर सकते हैं, बजा सकते हैं। ऐसे मंदिरों में ही देखते होंगे, ऐसे रहता होगा हरे रामा हरे कृष्ण कहते हैं लोग, तो वहाँ भी क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ऐसा ही और एग्जांपल है, जैसे एग्जांपल मतलब भर भर के दिया है, इतना एग्जांपल दिया कि आप बस ध्यान सुनते जाइएगा, आपको कभी नहीं भूलेगा। सिंपल सम एग्जांपल में यही कहा है कि साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन के द्वारा प्रोड्यूस होता है। वाइब्रेशन कैसे होता है, ऐसे दन 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 होता है, और जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा उतना ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस होगा। जैसे ही वाइब्रेशन खत्म होगा, ये स्ट्रेट लाइन में आ जाएगा, वैसे ही साउंड प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा। जैसे ये आप अपने क्या बोलते हैं घर में ये प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 5-6 ग्लास लीजिए, ठीक है, उस ग्लास में आधा ग्लास पानी भर दीजिए और एक हाथ में पतला सा पेंसिल या डंडा ले लीजिए, पेंसिल ही ठीक रहेगा, पेंसिल पतला हल्का रहेगा, ग्लास फूटेगा नहीं, ठीक है। तो 5-6 ग्लास लीजिए, उसमें आधा ग्लास पानी भर दीजिए और सबका जो क्वांटिटी रहेगा ना ग्लास का, किसी में ज़्यादा पानी भरिएगा, किसी में कम पानी भरिएगा, किसी में आधा भरिएगा, यानी कि सबका जो लेवल होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। देखेंगे कि जिसमें पानी ज़्यादा होगा उसका आवाज़ कम आ रहा होगा, ठीक है, जिसमें पानी कम होगा उसका आवाज़ थोड़ा ज़्यादा आ रहा होगा। क्यों होता है ऐसा, डेंसिटीज होता है, जो चीज़ें जितना भारी होती हैं उसमें से आवाज़ उतना कम होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं आप अपने ऊपर अगर आप मारते हैं तो आपका आवाज़ थोड़ा कम आएगा, वही चीज़ आप थाली अगर आप मारेंगे तो काफ़ी तेज़ आवाज़ आता है, ठीक है। अगला टॉपिक आता है हमारा साउंड प्रोड्यूस बाई ह्यूमन। अब इंसानों के द्वारा कौन कौन से ऐसे साउंड है जो प्रोड्यूस होती है, जाहिर सी बात है एक ही साउंड है, जो कहाँ से निकलती है, हमारे गर्दन से निकलती है, जिसे हम लैरिनेक्स कहते हैं, अभी पिछले चैप्टर में हम पढ़ के आ रहे हैं। कैन आई स्पीक लाउडली फॉर अ वाइल अ सिंग अ सॉन्ग, जब आप गाना गाते हैं तो गाना गाते समय आपकी जो आवाज़ है वो गले से निकलती, नहीं कहते हैं कि गले को सही कर लो गाने से पहले। जो सिंगर होते हैं, बड़े बड़े जो सिंगर होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा रियाज करते हैं, रियाज यानी कि प्रैक्टिस करते हैं गाना गाने का, तो अपने गले को क्या करते रहते हैं, एकदम साफ करते रहते हैं ताकि आवाज़ अच्छा निकले। तो इंसानों के द्वारा जो आवाज़ आता है वो कहाँ से आता है, उनके थ्रोट से आता है, उनके गले से आता है। थ्रोट यानी कि यही गला होता है, यहाँ पर दिखाया गया अच्छे से, ठीक है। देखो जो गले में वॉइस बॉक्स होता है जिसमें से साउंड निकल रही होती है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लैरिनेक्स बोलते हैं। यह अभी हम पिछले चैप्टर में पढ़े भी थे और यहाँ भी हम पढ़ेंगे अच्छे से, डिटेल में पढ़ेंगे। तो कह रहा है जहाँ से इंसानों की जो आवाज़ निकलती है गले में, उसको कहते हैं वॉइस बॉक्स, या वॉइस बॉक्स भी क्या कर सकते हैं, लैरिनेक्स, यानी कि इसका दो नाम है। जैसे आपका दो नाम होगा ना अमित सुमित, तो वैसे ही इसका भी दो नाम है। साइंटिफिक वाला जो नाम है उसका नाम है लैरिनेक्स, और जो हम लोग नाम करके बुलाते हैं उसका नाम है वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स क्यों, क्योंकि इसमें से ये ऐसा बॉक्स है, ऐसा डब्बा है जिसमें से क्या निकलता है, वॉइस निकलता है। अब इसको चेक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, कोई भी गाना गाइए, ठीक है, वीडियो को पॉज करके कोई भी गाना गाइए और अपना हाथ जो है दो तीन अंगुली अपने इस थ्रोट पर रखिए, यानी कि जो गला है आपका वहाँ पर रखिए। जब उस पर रखेंगे तो देखेंगे वहाँ से वाइब्रेशन आपको फील होगा,
ठीक है, अभी वीडियो को पॉज करिए और क्या होइए, कोई गाना गाइए, ठीक है, और अपना जो उंगली है, एक दो उंगली उस थ्रोट पर रखिए, यानी कि जो गले का जो एडम एप्पल होता है जिसे हम घेगा कहते हैं वहाँ पर रखिए, तो वहाँ पर आपको वाइब्रेशन फील होगा, ठीक है, तो करके देखिएगा ज़रूर, तभी आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। कह रहा है कि जो ये हमारा जो वॉइस बॉक्स होता है या जो लैरिनेक्स होता है वो इस तरीके से नेचर ने डिज़ाइन किया है कि वो क्या होता है, कभी भी किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, कभी मतलब जब हम खाना खाते हैं तब भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है, जब हम पानी पीते हैं तब भी डिस्टर्ब नहीं होता है, जब हम सांस लेते हैं तब भी वो डिस्टर्ब नहीं होता है। तो वही कह रहा है कि नेचर ने किसी इस तरीके से उसको डिज़ाइन किया है कि वो क्या करता है, एयर को पास होने देता है और उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर लैरिनेक्स होता है और यहाँ पर अच्छे से दिखाया गया है, ये इस तरीके से होता है। ये दोनों क्या होते हैं, वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, ठीक है, क्या है वोकल कॉर्ड्स हैं जिसमें से आवाज़ क्या होता है निकलता है, तो ध्यान से देख लीजिए। फिर कह रहा है मतलब आप देखें इसमें केमिकल मतलब कैसे क्या होता है, कह रहा है जब भी हम कुछ बोलने की कोशिश करते हैं तो ये दोनों दोनों वोकल कॉर्ड्स हैं, दिख रहा होगा एक और दो करके, ये दोनों आपस में क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं, यानी कि ये यहाँ पर वाइब्रेट करता है और ये वहाँ यहाँ पर वाइब्रेट करता है। जैसे ही हम बोलना स्टार्ट होते हैं तो ये वाइब्रेशन करता है और इसमें से आवाज़ निकलती है जो हम कुछ भी बोलते हैं, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो भी बोलूँगा ये क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ये वाइब्रेशन से साउंड निकलेगा और साउंड आपको सुनाई दे रहा होगा। तो वही कह रहा है ये जो क्या बोलते हैं दोनों कॉर्ड्स होती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड्स कहते हैं, ये वाइब्रेट करती है जिसकी वजह से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इसी वजह से साउंड प्रोड्यूस जो मतलब डीफ होते हैं उनका ये वाइब्रेशन नहीं होता, और होता भी है तो अच्छे से नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उनका साउंड क्या होता है, बोल नहीं पाते हैं अच्छे से, ठीक है, तो बेचारे गूंगे हो जाते हैं। तो इन्हीं दोनों जो कॉर्ड्स हैं जिसे हम क्या कहते हैं, वोकल कॉर्ड कहते हैं, ठीक है, इसी में साउंड प्रोड्यूस होता है। अब देखो अगला टॉपिक आता है, तीसरा टॉपिक, साउंड नीड अ मीडियम फॉर प्रोपगेशन, यानी कि साउंड को ट्रेवल करने के लिए, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उसको एक माध्यम की ज़रूरत होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारा पृथ्वी का एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है, हवाएं हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, एटम्स हैं, कण हैं, जिसकी वजह से साउंड क्या होता है, उसकी हेल्प की मदद से प्रोड्यूस कर पाता है और हमको सुनाई देता है। तो वही कह रहा है कि जो साउंड है वो हमेशा उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए उसको प्रोपगेट करने के लिए। देखो मीडियम होता है माध्यम, माध्यम यानी कोई भी माध्यम हो गया, उसको ट्रांसफर होने के लिए माध्यम चाहिए, और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है घूमना। अब साउंड कैसे घूमेगा, एक माध्यम के जरिए घूमेगा, तो वही चीज़ स्पेस में ना माध्यम होता है, यानी कि स्पेस में क्या होता है, सिर्फ खाली जगह होती है, कोई भी मॉलिक्यूल्स नहीं होता, कोई भी हवाएं नहीं होती हैं, जिसकी वजह से उसका प्रोपगेशन नहीं हो पाता, यानी कि आप दो अपन फ्रेंड के बगल में ही खड़े रहेंगे तभी आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, ऐसा लग रहा है बस वो मुँह से बात कर रहा है, उसमें से आवाज़ नहीं निकल रही है, तो उसको कुछ किसी भी साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, लिखा ना, इसीलिए लिखा है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। देखो यहाँ पर एक वर्ड आया वैक्यूम, देखो जो स्पेस होता है ना, ये पहले वैक्यूम का मतलब जान लो अच्छी तरह से, ध्यान सुनना बस, कह रहा जो वैक्यूम होता है उसका मतलब होता है खाली जगह। खाली जगह कहाँ होता है, पृथ्वी पर तो होता नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर इतने सारे मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, हवाओं के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, साउंड के मॉलिक्यूल्स पड़े हैं, बैक्टीरिया पड़े हैं, पता नहीं क्या क्या पड़े हैं, लेकिन स्पेस में ऐसा कुछ नहीं होता, ना हवा होता है, ना मॉलिक्यूल्स होते हैं, ना कुछ होता है, इसलिए उसको वैक्यूम कहते हैं। तो साउंड डज नॉट ट्रेवल इन वैक्यूम, यानी कि जो आवाज़ होती है वो खाली जगह में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, जो पृथ्वी होता है, हमारा पूरा जो एटमॉस्फेयर है पृथ्वी का, जो पूरा सरफेस है, कहीं पर भी वैक्यूम नहीं है, मतलब कोई भी ऐसी जगह नहीं है जो खाली हो, हर जगह पे हवा भरी पड़ी है, ठीक है, आप देखते ही होंगे कहीं भी किसी भी जगह चलिए, किसी भी केव्स में चलिए, गुफा में चले जाइए, किसी भी रूम में चले जाइए, वहाँ पर हवा मौजूद होगी और वो वैक्यूम नहीं होगा। तो वैक्यूम का मतलब होता है खाली जगह, यानी कि जहाँ कुछ ना हो, जहाँ कोई भी किसी भी तरह का हवा ना हो, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे हम, वैक्यूम। तो वैक्यूम में साउंड ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। देखो इसके संबंधित एक और एग्जांपल दिया है, यहाँ पर एक टब है, ठीक है, टब में इतना ज़्यादा पानी भरा है, अब उस टब के अंदर इस लड़के ने हाथ डाल के क्या किया, घंटी बजा रहा है पानी में, तो जब हम पानी के नीचे जब मतलब पानी के अंदर नहीं, पानी के जस्ट ऊपर वाले पे हम कान लगाएंगे तो हमको हल्का हल्का सुनाई देगा कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, घंटी बज रही होती है, यानी कि क्या मतलब हम पा रहे हैं कि पानी के अंदर भी साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस कर पाता है, यानी कि पूरे पृथ्वी पे कहीं भी साउंड प्रोड्यूस कर पाएगा, जहाँ पर क्या हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हो उसको ट्रैवल करने के लिए, ऐसा मतलब खाली जगह बस ना हो, जैसे वैक्यूम जगह ना हो, जैसे स्पेस जो है हमारा पूरी तरह से वैक्यूम है, तो वैक्यूम यानी कि खाली होने की वजह से वो साउंड वहाँ पर सुनाई नहीं देती है। लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कोई भी जगह नहीं है जहाँ पर खाली हो, चाहे पानी हो, चाहे
पहाड़ हो, चाहे ज़मीन हो, चाहे खेत हो, चाहे खलियान हो, हर जगह पे साउंड क्या होगा, ट्रेवल कर पाएगा, ट्रेवल यानी कि मूव कर पाएगा एक जगह से दूसरी जगह तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं, हवाएं हैं, कई तरह के गैसेस हैं, तो उनके द्वारा जो साउंड है ट्रेवल कर पाता है। तो यही कह रहा, पानी में भी क्या होता है, साउंड घूम पाता है, जिसकी वजह से जो मछलियाँ होती हैं, जो डॉल्फिन्स होती हैं, जो व्हेल्स होती हैं, लिखा है ना, व्हेल्स एंड डॉल्फिन और जितनी भी तरह की मछलियाँ होती हैं, इसी तरीके से वो आपस में बातचीत करती हैं। जैसे हम ज़मीन पर रह के बातचीत करते हैं आपस में दोस्तों में, तो वैसे ही जो पानी में जीव होते हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, वो भी आपस में क्या होते हैं, इस तरीके से बात कर पाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जाना, ज़मीन के साथ साथ पानी में भी साउंड ट्रैवल कर सकता है। बस एक ही जगह है जहाँ पर साउंड ट्रैवल नहीं कर सकता, कौन सी जगह है, वैक्यूम यानी कि स्पेस। ठीक है, कोई पूछता है आपसे कि साउंड किस जगह पर ट्रैवल नहीं कर सकता है, किस जगह पर हमें सुनाई नहीं देगा, किस जगह पर सुनाई नहीं देगा, जहाँ पर वैक्यूम होगा यानी कि स्पेस। ठीक है, यहाँ पर एक दो एक्टिविटी दिया गया जो बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। पहला एक्टिविटी आता है हमारा, साउंड कैन ट्रैवल थ्रू सॉलिड, यानी कि जो साउंड, जो आवाज़ है वो सॉलिड के जरिए भी ट्रैवल कर सकता है। सॉलिड यानी कि कुछ ठोस चीज़ें, जैसे पेन है, अगर यहाँ पे आप घंटी ऐसे मारेंगे तो यहाँ पर अगर आपको कान होगा तब भी सुनाई देगा, वैसे भी सुनाई दे रहा होगा। ठीक है, इस समय ये भी पता चलता है कि ज़मीन, हवा, पानी के साथ साथ जो सॉलिड चीज़ें होती हैं उनमें से भी साउंड प्रोड्यूस होता है। ये चीज़ आपने स्कूल में किया होगा, आप जब थक जाते हैं पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं, अपना हेड जो, अपना सर जो है डेस्क पे रख लेते हैं, जब कोई दोस्त आप उस डेस्क पे ऐसे क्या बजाता है, तबला बजाता है, तो काफ़ी अच्छे से सुनाई देता है ये आवाज़, आप लोगों ने सुना होगा, आप खुद ही कर सकते हैं। अगर आप इस समय किसी बैठे हैं टेबल वगैरह पे या चेयर पे बैठे हैं, तो कान उस टेबल पे रखिए, ठीक है, कान इस टेबल पे रखिए और आवाज़ सुनिए, ऐसे ऐसे करके आवाज़ सुनिए, तो बहुत ही अच्छे से सुनाई देगा, बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, साउंड हम कहाँ पर ट्रैवल करता है, सॉलिड वगैरह में भी ट्रैवल कर सकता है। अब देखो ये भी एक्टिविटी काफ़ी बढ़िया है, अ टॉय टेलीफोन, दो ग्लास लीजिए प्लास्टिक वाला, जो कागज़ का जो ग्लास नहीं आता है उसमें से दो ग्लास लीजिए, और दोनों ग्लास के जो इंडर पॉइंट रहता है जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर रस्सी बांध दीजिए आप, रस्सी मतलब कि जो पतला सा धागा होता है, एकदम पतला वाला है, मोटा वाला नहीं, एकदम पतला वाला, इससे और इस ग्लास से कनेक्ट कर लीजिए, लगभग 10 मीटर का गैप रखिए। आपका दोस्त जब उस ग्लास में कुछ भी बोलेगा धीरे से, तो आप तक सुनाई देगा, कैसे सुनाई देगा, इस सॉलिड जो तार है आपका, सॉरी जो रस्सी है पतली सी, उस रस्सी के जरिए आवाज़ ट्रैवलिंग होती 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 आपके कान तक पहुंच जाएगी। इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी पे कहीं भी, किसी भी जगह पे, किसी भी चीज़ में, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, कहीं भी, तीनों जगह में क्या होगा, हमारा साउंड ट्रैवल करेगा। लिक्विड में यानी कि पानी में, अभी हमने देखा कि पानी में कैसे मछलियाँ आवाज़ निकलती हैं, सॉलिड अभी हमने देखा ही जो लकड़ी वाला एरिया था, गैस में वैसे ही सुनाई देता है, गैस यानी कि जो हमारा वातावरण है उसमें हम कहीं भी तेजी से बोलते हैं तो सुनाई देता है, सुनो 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 बोल देते हैं तो दौड़ के चला आता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पृथ्वी पे, पूरे पृथ्वी पे, सॉलिड में भी यानी कि सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी, तीन जगह पे आवाज़ सुनाई देती है, और बस एक ही जगह पे नहीं सुनाई देती है, वो होता है वैक्यूम यानी कि खाली जगह। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा, वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर, यानी कि हम आवाज़ सुनते हैं अपने कानों के जरिए। तो सबको पता है, ऐसा नहीं है कि कोई आवाज़ अपने नाक के जरिए सुनता है या आँखों के जरिए सुनता है या मुँह के जरिए सुनता है, सब किसे सुनते हैं, कानों से ही, तो वही चीज़ कह रहा है। अब देखो जो कान होता है हमारा, जो हमारा कान होता है ना, वो इतनी बेहतरीन तरीके से नेचर ने डिज़ाइन किया है कि उसमें कई सारे मतलब प्रोसेस होता है, यानी कि स्टेप होता है। अब देखो कह रहा है जो कान है हमारा वो एक कुप्पी की तरह है, कुप्पी आपने देखा हो ना, जिसे हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, फनल कहते हैं, फनल, अभी मैं दिखा रहा हूँ फिगर, पहले थोड़ा सा जान लेते हैं। कह रहा है जो हमारा कान होता है एक फनल की तरह होता है, जिसे हम कुप्पी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, कुप्पी। तो जब आवाज़ इंटर करता है हमारे कानों में तो वो कैनाल यानी कि एक पाइप की तरह होता है, जिसे पेन है ना, जिसे मान लेते हैं हमारा असली क्या है, यहाँ पर आवाज़ सुनाई देता है, तो यहाँ पर जब आवाज़ इंटर करेगा तो इस कुप्पी के जरिए यहाँ तक जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ईयर ड्रम है, यही तार यहीं से तार गया दिमाग में, जैसे दिमाग में पता चलता है कि हाँ भाई कोई बुला रहा है हमें, तो यहाँ से आवाज़ क्या करता है, इंटर करता है कुप्पी में, कुप्पी में जाते जाते कहाँ जाता है, ईयर ड्रम के पास जाता है। ईयर ड्रम के पास एक नस होती है जो दिमाग में जॉइंट होता है, तो दिमाग को बताता है हाँ भाई कोई तुमको बुला रहा है। ठीक है, जैसे आपकी मम्मी है, बुलाएंगे बेटा आओ खाना खा लो, तो जैसे ही वो बुलाएंगी वहाँ से आवाज़ हवा के जरिए आते आते आपके कानों तक पहुँचेगा, और कानों में आपके इंटर करते हुए कहाँ पास जाएगा, ईयर ड्रम के पास जाएगा। ईयर ड्रम के पास जैसे ही गया, ईयर ड्रम क्या करेगा, मिली सेकेंड के अंदर वो संदेश भेजेगा आपके ब्रेन के पास, और आपको पता चल जाएगा कि मम्मी बुला रही हैं, आप दौड़ते हुए कहाँ जाएंगे, मम्मी के पास जाएंगे। देखो यहाँ पर लिखा है कि जब साउंड इंटर करता है, यानी कि जो साउंड का वाइब्रेशन होता है वो इंटर करता है कानों में, तो वो साउंड तैरते तैरते कहाँ जाता है,
ईयर ड्रम के पास जाता है और ईयर ड्रम क्या होने लगता है, वाइब्रेट होने लगता है, जिसके वजह से जो इनर सॉरी ईयर ड्रम के अंदर जो एक नस रहती है, जो कहाँ तक गई रहती है, दिमाग के पास यानी कि ब्रेन के पास गई रहती है, तो ब्रेन हमको तुरंत क्या देता है, सिग्नल देता है कि आपको कोई बुला रहा है। लिखा है ना, फ्रॉम देयर द सिग्नल गोज टू द ब्रेन, डेट इज़ हाउ। जिसे यहाँ पर देखो, मान लेते हैं ये हमारा कान है, ठीक है, जिसे हम पिन्ना कहते हैं। क्या कहते हैं? पिन्ना, यानी जो कान होता है सबसे बाहरी वाला एरिया, उसको हम पिन्ना कहते हैं। ये साउंड को खींचता है अपनी तरफ, यानी अगर कोई बोल रहा है आपके अगल बगल में या कोई दूर बोल रहा है, कि जो पिन्ना होता है बाहर वाला, उस साउंड को अपनी तरफ खींचता है, ऐसे ऐसे खींचता है, और खींचते हुए इस ईयर पाइप के जरिए, यानी कि जो कुप्पी है हमारा, इस पाइप के जरिए कहाँ जाता है, ईयर ड्रम में जाता है, ठीक है। तो ईयर ड्रम यही होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, येलो कलर का दिख रहा होगा हल्का सा, यहाँ पर अच्छे से दिख रहा है, देखो ईयर ड्रम ये वाला पार्ट, ठीक है, ये बड़ा वाला पार्ट है। यहाँ से ऐसे साउंड इंटर किया और यहाँ पर जाते जाते क्या होता है, पहुँच जाता है और इसको वाइब्रेट करवाने लगता है। अब यहाँ से जो नस गई रहती है, वो गई रहती है दिमाग में, कहाँ पर, ब्रेन में। जैसे ही साउंड या गाना या कोई बुला रहा है, आपको इंटर करेगा, इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाया कि जल्दी बताओ दिमाग को कोई बुला रहा है। यहाँ से क्या होगा, सिग्नल भेजेगा दिमाग के पास, जल्दी जल्दी सुनो कोई बुला रहा है तुमको, और उसको रिप्लाई दो। किस तरीके से हम क्या करते हैं, जल्दी से कहते हैं हाँ मम्मी आ रहे हैं बस दो मिनट, ऐसे तो बोलते हैं, ठीक है। किस तरीके से हमारा कान क्या होता है, काम करता है। तो ये ह्यूमन का ईयर है, तो एग्ज़ाम में आपको बनाने के लिए आ सकता है। सिंपल से क्या करना, कुछ नहीं करना है, बस ऐसे यहाँ पर गोला बनाना है, ठीक है। इस गोले में से दो पाइप निकालना है, यानी कि एक पाइप निकालना है, उस पाइप में से छोटा सा क्या बनाना है, ईयर ड्रम बनाना है, और यहाँ से ऐसे गोल गोल करके एक नस पहुँचा देना है दिमाग तक, बात खत्म। ऐसे वो बनता है हमारा ईयर, और इस तरीके से क्या होता है, आवाज़ हमको सुनाई देता है। ये तो गया हमारा साउंड। अब आते हैं साउंड के अंदर क्या क्या होता है, साउंड मतलब जो आवाज़ होती है, जो वाइब्रेशन होता है, साउंड जो आवाज़ होती है, उनमें क्या क्या होता है, क्या क्या होता है उसमें। होता है सबसे पहले एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है, अभी जस्ट देखेंगे। टाइम पीरियड, यानी कि एक सेकेंड में वो कितनी बार क्या कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है, यानी कि एक सेकेंड के अंदर वो कितनी बार वाइब्रेट कर रहा है, उसी को हम टाइम पीरियड कहते हैं। फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे, और वाइब्रेशन का यानी कि जो वही साउंड है, उसमें तीन चीज़ होती है, हमने क्या जाना, एम्पलीट्यूड जाना, टाइम पीरियड जाना, और फ्रीक्वेंसी जाना। अब इसको देखते हैं थोड़ा सा डिटेल में। देखो करा, जो हमारा साउंड है वो हमेशा टू एंड फ्रो मोशन में चलता है, यानी कि ये जो मोशन है ना, ये है ट्रू, यहाँ से यानी कि जो शुरू हो रहा है इसको बोलेंगे टू, और जब यहाँ पर आ रहा है तो ये फ्रो, यानी कि अफारो। लिखा ना, वी हैव लर्न द साउंड इज ट्रेवल टू एंड फ्रो, यानी कि ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, यानी टू फ्रो, टू फ्रो, टू फ्रो। इस तरह के साउंड हमारे क्या कहता है, ट्रेवल करता है। तो ये कह रहा है कि हमने जाना, जो साउंड है वो टू एंड फ्रो मोशन में वाइब्रेट करता है, यानी कि घूमता रहता है। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं, यानी कि ऑसिलेटरी मोशन ऐसा मोशन है जिसमें क्या हो, टू एंड फ्रो मोशन में साउंड वाइब्रेट करे, ये वाइब्रेशन ऐसे ही होता है। अब देखो ये तो गया हमारा ऑसिलेटरी मोशन, यानी कि एक सेकेंड में मतलब टू एंड फ्रो मोशन में कोई भी अगर इस वाइब्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब वो साउंड का वाइब्रेशन होगा। अब उसमें आता है एम्पलीट्यूड आता है, टाइम पीरियड आता है, फ्रिक्वेंसी आता है, ठीक है। तो हमने जान लिया ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, यानी कि टू एंड फ्रो मोशन में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव वाइब्रेट करेगा तो क्या कर रहा है, ऑसिलेटरी मोशन कर रहा है, ठीक है। अब देखो सिंपल सा डेफिनेशन दिया है किसका, फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन कर पा रहा है, यानी कि ये जो अभी वाइब्रेशन कर रहा था टू एंड फ्रो, एक सेकेंड के अंदर कितना ऑसिलेशन कर पा रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ से क्या किया, टू किया, यानी कि स्टार्ट किया, ये गया फ्रो, क्या गया, ये गया फ्रो, फिर ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, यानी कि ये हो गया एक कंप्लीट। अब एक सेकेंड के अंदर ये कंप्लीट जो पाथ है वो कितनी बार दोहरा रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे, फ्रीक्वेंसी बोलेंगे, ठीक है। तो कभी भी अगर आपको भूलते हैं एग्जाम में, क्या इसी बात मैक्सिमम लड़के भूल जाते हैं, तो सबसे पहले क्या करिएगा, इस तरीके से एक वाइब्रेशन वेव बनाइएगा, ठीक है, टू एंड फ्रो करके। सबसे ऊपर वाले को नाम दीजिएगा क्या, टू, ठीक है, और नीचे वाले को क्या नाम रखिएगा, फ्रो, यानी कि मेंढक वाला फ्रॉग नहीं, फ्रो खा लिखना है। जैसे ही इस फिगर को आप बनाएंगे वैसे ही आपको सारा चीज़ याद हो जाएगा, यानी कि अगर एक कोई हम वाइब्रेट लेते हैं तो जब टू एंड फ्रो एक कंप्लीट करता है एक सेकेंड के अंदर, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। आप उसको अंग्रेजी में देख लेते हैं, वही लिखा है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार वो टू एंड फ्रो मोशन करता है, यानी कि ऑसिलेशन करता है पर सेकेंड में, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी इज एक्सप्रेस्ड इन हर्ट्ज, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज होता है, यानी कि जो एक फ्रीक्वेंसी कर रहा है टू एंड फ्रो में, यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी।
जो नापते हैं उसको किस में नापते हैं, हर्ट्ज में नापते हैं, ठीक है, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में HZ कहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रीक्वेंसी। अब क्या बाकी है, एम्पलीट्यूड और टाइम पीरियड। अब देखो जो टाइम पीरियड होता है, यानी कि इसको एक कंप्लीट फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने में, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी कंप्लीट करने में कितना समय लग रहा है, एक सेकेंड, यानी कि जो एक सेकेंड लग रहा था ना, वो जो हमारा क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, ठीक है। अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो ये जो ऊपर से नीचे जा रहा है ना, यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं, यानी कि तीनों एक ही में क्या है, कनेक्टेड है। तो जो एग्जाम में आता है वो एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड नहीं आता, वो क्या आता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन आता है। कि यानी कि फ्रीक्वेंसी कैसे नापेंगे, सबसे पहले पूछेगा आपसे ऑसिलेशन का डेफिनेशन बताइए, सिंपल सा बता देंगे कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कॉल वाइब्रेशन, यानी कि जब कोई मोशन किसमें होता है, टू एंड फ्रो में होता है, यानी कि फिर ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे, उसको हम वाइब्रेशन करते हैं, या उसको क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं, ठीक। अब इस ऑसिलेटरी मोशन में एक वेव को, यानी कि एक वाइब्रेट को क्या कहेंगे, फ्रीक्वेंसी कहेंगे। अब उसके एक सेकेंड में कितनी बार वो कर रहा है उसको हम टाइम पीरियड कहेंगे, और एक बार में कितना ऊपर नीचे हो रहा है, यानी कि एक सेकेंड में कितनी बार ऊपर नीचे हो रहा है, उसको हम एम्पलीट्यूड कहेंगे। इस तरीके से हम तीनों जान सकते हैं। देखो थोड़ा सा बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, लेकिन जब आप इसको बनाएंगे, ये फिगर बनाएंगे आपके कॉपी में, बड़ा सा फिगर बनाइएगा, मतलब थोड़ा बड़ा हो, और ऊपर लिखेगा टू और नीचे लिखेगा फ्रो, ठीक है, जब इसको लिखेंगे ना तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक। अब आते हैं लाउडनेस एंड पिच में। देखो लाउडनेस मतलब होता है तेज आवाज़, यानी कि जानी जो बजाते हैं डीजे वगैरह बजाते हैं धुम 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 करके, उसको हम क्या बोलते हैं, लाउडनेस बोलते हैं। पिच यानी कि देखो पिच दो तरह का होता है, एक होता है लो पिच और एक होता है हाई पिच, ठीक है। लो पिच वाले क्या होते हैं, लड़के होते हैं, जिनका आवाज़ होता है थोड़ा बहुत ही अजीब होता है, लड़कों का आवाज़, उनका पिच क्या होता है, कम होता है, लेकिन जो लड़कियाँ होती हैं उनकी जो साउंड होती है वो काफ़ी ज़्यादा स्वीट होता है, स्वीट यानी कि सॉफ्ट होता है, तो उनका पिच क्या होता है, हाई रहता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं दूसरे एग्जाम्पल में, यानी कि दूसरे वेव में आप गए हैं क्या खेलने, आप गए हैं खेलने मैच खेलने गए, यानी कि एक क्रिकेट खेलने गए हैं, तो वहाँ का पिच क्या है, बहुत ही अच्छा है, तो क्या होगा, मैच बहुत अच्छा होगा। उसी तरह से जो लड़कियाँ का जो पिच होता है वो बहुत अच्छा होता है, यानी बहुत बड़ा होता है, जिसकी वजह से उनका साउंड क्या होता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं कि अगर क्रिकेट का पिच बहुत अच्छा हो तो आवाज़ बहुत अच्छा होगा, यानी कि क्रिकेट बहुत अच्छा होगा, पिच खराब हुआ तो आवाज़ भी खराब होगा, ठीक है। इस तरीके से आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। अभी हमने देखा लाउडनेस, देखो जो लाउडनेस होता है ना उसका एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं डीबी, या फुल फॉर्म क्या कहते हैं, डेसिबल। तो ये आपके एमसीक्यू में आ सकता है, इसलिए मैंने बता रहा हूँ, ठीक है। वो वन वर्ड में क्वेश्चन आंसर में नहीं आएगा, वो आएगा तो फिल इन द ब्लैंक्स में आएगा, ट्रू फॉल्स में आ सकता है, या मतलब ज़्यादा चांस है कि एमसीक्यू में ही आए, और एमसीक्यू में हमेशा आता रहेगा, यानी कि जब तक आप जॉब नहीं पा जाते तब तक एक क्वेश्चन आपको दिखता रहेगा। तो इस तरीके से हमेशा याद कर लीजिए, जो डीबी होता है ना वो लाउडनेस का यूनिट होता है, लिखा ना, लाउडनेस इज एक्सप्रेस्ड इन अ यूनिट कॉल्ड डेसिबल, जिसको हम डीबी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब देखो ये डीबी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, देखो ये डीबी हमें बताता है कि कौन सी आवाज़ सुनने लायक है और कौन सी आवाज़ सुनने से हमारे कान के पर्दे फट सकते हैं, यानी कि जो ईयर ड्रम है हमारा फट सकता है। जैसे देखो नॉर्मल ब्रीथिंग, जब हम नॉर्मल सांस लेते हैं करके, तो उसका जो आवाज़ रहता है उसका रहता है 10 dB, यानी कि उसको हम काफ़ी आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है। सॉफ्ट विस्पर, नहीं कुछ इतनी मारता सिटी मारता है, उसकी जो आवाज़ होती है, जैसे सिटी मार रहा है ना, इसकी जो आवाज़ होगी सिटी की वो 30 dB तक होगी, यानी कि उसको भी लगभग सुन सकते हैं, सब लोग सुनते हैं, मैच खेलने जाते हैं तो सिटी मारते हैं, कबड्डी खेलने जाते हैं तो सिटी मारते हैं, तो सुन सकते हैं। लेकिन अब देखो नॉर्मल कन्वर्जेशन, जो हम लोग दोस्तों से बात कर रहे होते हैं, मतलब नॉर्मली तरीके से, कैसे हो, क्या हाल चाल है, सब बढ़िया है, इस तरीके से जब हम बात करते हैं, उसका जो डेसिबल रहता है, उनका जो साउंड का क्वालिटी रहता है वो 60 dB रहता है, यानी कि 60 dB रहता है, ठीक है। अब आता है बिजी ट्रैफिक, जब ट्रैफिक में हम जाते हैं रोड वगैरह पे, तो वहाँ पर देखते हैं कि कैसे वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ आ रहे होते हैं, जिसे हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं आवाज़ सुनने से, नहीं मतलब बहुत चिड़चिड़ापन आता है, कितना यार हॉर्न मार रहे हैं लोग, उसकी जो डेसिबल होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है वो 70 dB होती है, यानी कि उसको भी हम सुन सकते हैं, लेकिन थोड़ा इरिटेटिंग होता है, यानी कि बहुत ही चिड़चिड़ापन होता है, यार कितने ज़्यादा शोर कर रहे हैं सब, नहीं होता है। लास्ट आता है हमारा एवरेज फैक्ट्री। अब देखो फैक्ट्री में बहुत तेज़ी से आवाज़ होता है, जिसे हम सुन नहीं सकते हैं, नहीं जाते हैं फैक्ट्री में, कान बंद कर लेते हैं, कितना आवाज़ हो रहा है, एकदम लग रहा है अभी कान फट जाएगा, ऐसे बोलते हैं, तो उसकी जो आवाज़ होती है, उसकी जो लाउडनेस होती है वो 80 dB होती है। अब इसके ऊपर जो भी आवाज़ आएगा, यानी कि 81, 82, 83, 85, 90, 100, अब जितना लाउडनेस आएगा, जितना डेसिबल आएगा, उसको हम नहीं सुन सकते। अगर सुनेंगे तो 100% के साथ क्या होगा, कान के पर्दे फट जाएंगे, ठीक है, जिसकी वजह से सुनाई नहीं देगा और हम बहरे हो जाएंगे। लिखा भी है
अबव 80 डीबी यानी कि अबव 80 डेसिबल यानी कि 80 डेसिबल से ऊपर हम की आवाज़ सुनते हैं तो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। अब देखो एक चीज़ और कह रहा है कि जो लाउडनेस होती है यानी कि जो आवाज़ की गति होती है ना वो डिपेंड करता है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। अभी हमने एम्पलीट्यूड देखा क्या होता है कि एक बार ऊपर एक बार नीचे फिर एक बार ऊपर, ये होता है एक एम्पलीट्यूड। अब ये एम्पलीट्यूड जितना तेज़ी से ये क्या करेगा इस तरीके से अप डाउन करेगा उतनी तेज़ी से क्या होगा लाउडनेस होगा, यानी कि अगर एम्पलीट्यूड कम हुआ तो साउंड भी क्या होगा यानी कि लाउडनेस कम होगा। अगर एम्पलीट्यूड ज़्यादा हुआ, अगर तेज़ी से ये ऊपर नीचे हो रहा है तेज़ी से ऊपर नीचे हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, साउंड बहुत तेज़ है, हमारे कान के पर्दे भी फट सकते हैं। ठीक है, तो साउंड किस पे डिपेंड करता है, हमारे एम्पलीट्यूड पे, कि एम्पलीट्यूड कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, अगला टॉपिक आता है हमारा ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड। अब देखो ये बहुत ही अच्छा टर्म्स है जो आपको जानना लिए बहुत ज़रूरी है और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, बस आपको ध्यान सुनना है। देखो ऑडिबल मतलब कि ऑडियो, जैसे नहीं होता है कि हम गाना लगाते हैं तो ऑडियो लगाते हैं, और नहीं दो होता है ना, एक होता है ऑडियो और एक होता है वीडियो। तो वीडियो की बात हम हटा देते हैं, वो बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं ऑडियो की। यानी कि ऑडियो ऐसी चीज़ होती है यानी कि म्यूजिक ऐसा चीज़ होता है जिसको हम सुन सकते हैं, तो उसी से बना है हमारा ऑडिबल बनना, यानी कि ऐसा साउंड जिसको इंसान सुन सकते हो, यानी कि जितने भी ह्यूमंस हैं जितने भी इंसान हैं वो क्या हो सुन सकते हो, उसे कहेंगे ऑडिबल साउंड। और दूसरा होता है हमारा इनऑडिबल साउंड, यानी कि ऐसा साउंड ऐसा ऑडियो जिसको इंसान नहीं सुन सकते, बस इंसानों की बात यहाँ पर हो रही है। तो हमने जाना कि ऑडिबल साउंड किसने लिया गया, ऑडियो से लिया गया, यानी कि ऐसा ऑडियो ऐसा साउंड ऐसी आवाज़ जिसको इंसान सुन सकते हो। इनऑडिबल मतलब ठीक इसका उल्टा, ऐसी आवाज़ ऐसी साउंड जिसको इंसान नहीं सुन सकते। अब देखो यहाँ पर दो केस आता है जो आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। हर्ट्स, अपने हमने देखा कि फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है, जो हर्ट्स होते हैं वो फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है। जो इंसान होते हैं ना वो 20 हर्ट्स से लेकर 20,000 हर्ट्स तक की आवाज़ें सुन सकते हैं, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है अगर एक सेकेंड में 20 बार अप डाउन जा रही है, यानी कि वहाँ से लेकर फ्रीक्वेंसी जब एक सेकेंड में 20,000 तक जाएगी उसके बीच की आवाज़ हम सुन सकते हैं। जब ये तो हो गया इंसानों का, ठीक है, अब देखो यदि वही आवाज़ 20 वाइब्रेशन यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक सेकेंड में अगर 20 बार वाइब्रेट कर रहा है अप डाउन कर रहा है तभी हम सुन सकते हैं, अगर 20,000 तक कर रहा है तभी हम सुन सकते हैं, यानी कि एक सेकेंड में अगर 20,000 तक कर रहा है, पहले कह रहा हम 20 हर्ट्ज़ तक कर रहे हैं यानी कि एक सेकेंड में कितने कर रहे हैं 20,000 बार अप डाउन कर रहे हैं तभी हम आवाज़ को सुन सकते हैं, यानी कि बहुत ही स्लो आवाज़ होगा। वही चीज़ जब एक सेकेंड में 20,000 बार अप डाउन करती है तभी हम सुन सकते हैं, इसका मतलब कि आवाज़ बहुत ही तेज होगा। तो 20 से लेकर यानी कि 20 हर्ट्ज़ से लेकर 20,000 हर्ट्ज़ तक क्या करते हैं हम इंसान सुन सकते हैं। अगर 20 हर्ट्ज़ से कम हुआ यानी कि एक सेकेंड में अगर 18 बार अप डाउन जा रहा है या 19 बार अप डाउन जा रहा है तो हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है, यानी कि इंसानों को सुनाई नहीं देगा। वही चीज़ इसमें भी है कि अगर एक सेकेंड में 20,000 से ज़्यादा अप डाउन कर रहा है, ये वाइब्रेशन अप डाउन हो रहा है तभी हमको सुनाई नहीं देगा, ठीक है। लेकिन ये तो क्या इंसानों का, अब कह रहा कुछ जानवर ऐसे हैं जो इन आवाज़ों को सुन सकते हैं, यानी कि डॉग यानी खासकर कुत्ते जो होते हैं डॉग्स होते हैं उनके पास ये एबिलिटी होती है, ठीक है, कि वो क्या कर सकते हैं 20,000 से ज़्यादा का भी जो साउंड रहता है वो सुन सकते हैं, ठीक है। अब देखो 20 हमारे जो कान सुनेंगे ना वो कान फट जाएगा, ठीक है, इतना तेज़ आवाज़ होता है, ठीक है। तो 20,000 से ज़्यादा हम इंसान नहीं सुन सकते, यानी कि जो हमारा जो रेशियो है वो कितना है 20 से लेके 20,000 तक है, ठीक है, 20 के यानी 20 के तक, समझ रहे ना, 20 लेके 20,000 हर्ट्ज़ तक, तो ये हमारा रेडियो है यानी कि हमारा रेशियो है, जिसे कहते हैं ऑडिबल और इनऑडिबल। अब देखो अब आता है हमारा अगला टॉपिक नॉइज़ एंड म्यूजिक। नॉइज़ यानी कि नॉइज़ मतलब ढेर सारी आवाज़ें और म्यूजिक यानी कि सॉफ्ट आवाज़ें। देखो जो नॉइज़ होता है ना उससे हमें इरिटेट होता है, इरिटेट यानी कि उससे हमें चिड़चिड़ा लगता है, बहुत ही बेकार लगता है। लेकिन जो म्यूजिक होता है उससे हमें सुनना पसंद होता है, यानी कि अच्छा लगता है सुनने में। तो वही दोनों का डिफरेंस देखेंगे, नॉइज़ और म्यूजिक का असल में होता क्या है। देखो वही बताया गया है कि अनप्लीजेंट साउंड यानी कि बेसुरा साउंड, यानी कहते हैं तुम्हारा आवाज़ बहुत बेसुरा है, नहीं कहते हैं, तो बेसुरे आवाज़ को हम क्या कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, यानी कि बेफालतू का। जैसे क्लासरूम में जो बच्चे होते हैं, जब आप क्लास में जाते होंगे देखते हैं कि जो बच्चे होंगे बेफालतू के इधर वो चिल्लाते रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, मैम कहती हैं डोंट नॉइज़ यानी कि शोर शराबा मत करो। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो आवाज़ है वो शोर शराबे वाली है, यानी कि ऐसी आवाज़ें जिससे क्या हो शोर शराबे हों, जिस शहर में क्या होता है हॉर्न बजाते रहते हैं पिक पाक लगा रहता है तो क्या हो रहा है नॉइज़ हो रहा है। लेकिन वही जब म्यूज़िक होता है यानी कि जब किसी गिटार से किसी इंस्ट्रूमेंट से आवाज़ निकलती है किसी गाने को गाया जाता है तो उसको म्यूजिकल साउंड कहते हैं, ठीक है।
उसकी जो आवाज़ रहती है बहुत ही प्लीजिंग रहती है, बहुत प्लीजिंग यानी कि बहुत ही ज़रा सॉफ्ट होता है, बहुत ज़रा मीठा होता है। तो कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो म्यूजिक ना सुनता हो, ठीक है। म्यूजिक सबको पसंद होता है, क्यों पसंद होता है, क्योंकि उसकी जो आवाज़ होती है, उसका जो साउंड होता है बहुत ही प्यारा होता है। लेकिन जो नॉइज़ होता है वो बहुत ही बेकार होता है। जैसे देखते हैं हम ट्रैफिक में हॉर्न बजाते रहते हैं, सब एकदम हॉर्न बजाते रहते हैं, पिक पाक लगा रहता है। वही क्लास में बच्चे चिल्लाते रहते हैं, तो सब क्या है, नॉइज़ है। तो सिंपल सा आप डिफिनेशन बता सकते हैं, डिफरेंस बता सकते हैं कि जो नॉइज़ का साउंड होता है वो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है, यानी कि बेसुरा होता है, ठीक है। वही जो म्यूज़िक का साउंड होता है वो बहुत ही प्लीजिंग होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है, ठीक है। जैसे कि सितार की आवाज़ हो गया, गिटार की आवाज़ हो गया, ठीक है। कोई सिंगर गाना गा रहा है तो सब क्या होगा, म्यूज़िक में आ जाएगा। और नॉइज़ जैसे कि ट्रैफिक हो गया, ठीक है, क्लासरूम हो गया, और क्या है, कहीं जब उसमें क्या बोलते हैं, जब आप यात्रा करते हैं किसी ट्रेन वगैरह से, तो वहाँ भी देखते होंगे ट्रेन जब हॉर्न मारती है तो कितना बेकार लगता है, पूरा लगता है कान भी फट जाएगा। सब किस में आएगा, सब आएगा नॉइज़ में, यानी कि नॉइज़ म्यूज़िक में। अब देखो, अब हमारा आता है नॉइज़ पॉल्यूशन, यानी कि इस बेसुरे आवाज़ के द्वारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, ठीक है। यानी कि इसके द्वारा जो इन्वायरमेंट है उसको तकलीफ़ होती है और हमें भी तकलीफ होती है, इरिटेटिंग होता है, चिड़ापन होता है, ठीक है। तो वही कह रहा कि आप लोगों ने पहले सुना होगा एयर पॉल्यूशन के बारे में, सुना ही होगा कि कैसे हवा गंदा होता है। आप लोगों ने वाटर पॉल्यूशन के बारे में सुना होगा कि कैसे पानी गंदा होता है, ठीक है। ठीक उसी तरह से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है, यानी कि आवाज़ के जरिए क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन गंदा, यानी कि इन्वायरमेंट हमारा गंदा होता है। गंदा कैसे होता है, देखो जो बेफालतू की आवाज़ें होती हैं, यानी कि जो जैसे मान लेते हैं कई ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा हॉर्न बजाते हैं लोग, उस हॉर्न के जरिए जो साउंड निकलता है ना, वो हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, ठीक है। कैसे नुकसान करता है देखते हैं। कह रहा है जैसे हमने देखा है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन में क्या होता है, बहुत सारे बेकार के गैसेस आ जाते हैं एयर में, जिसकी वजह से एयर पॉल्यूशन हो जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, नाइट्रोजन वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से एयर क्या होता है, गंदा हो जाता है, जिसको हम एयर पॉल्यूशन कहते हैं। ठीक उसी तरह से हवा में भी कई तरह के आवाज़ें आ जाने लगती हैं, गाड़ियों की आवाज़ आती है, ट्रेनों की आवाज़ आती है, इंसानों की आवाज़ आती है, किसी की गिरने की आवाज़ आती है, किसी की लड़ने की आवाज़ आती है। तो वही कह रहा है कि जितने भी अनवांटेड साउंड होते हैं, जो क्या होते हैं, प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उस एरिया में, किसी भी इन्वायरमेंट में, उसी के वो हम क्या कहते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन कहते हैं। लिखा है ना कि जैसे एयर पॉल्यूशन में अनवांटेड गैसेस होते हैं, यानी कि बेफालतू के गैस होते हैं, वैसे ही उसी तरह से साउंड भी क्या होते हैं, कुछ अनवांटेड साउंड होते हैं, जो बेफालतू के साउंड होते हैं, जो इन्वायरमेंट में क्या फैलाते हैं, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलाते हैं, उसी की वजह से हमारा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। जैसे क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन हो सकता है, जैसे देखो आर साउंड आर व्हीकल, जो गाड़ियाँ होती हैं जो पिक पाक करती रहती हैं, उन गाड़ियों की वजह से ही क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। दूसरा हमारा क्या है, एक्सप्लोजन, कई धमाका होता है, कई बम धमाका होता है, खासकर दिवाली में, दिवाली में हम बहुत पटाखे फोड़ते हैं, पता है ना कितनी पटाखे फोड़े जाते हैं, उसके कारण भी क्या होता है, हमारा एयर पॉल्यूशन के साथ साथ नॉइज़ पॉल्यूशन भी होता है दिवाली में खासकर, इसीलिए दिवाली में दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो दिवाली के जरिए पटाखे फोड़ते हैं, उस पटाखे में से धुआं भी निकलता है और आवाज़ें भी निकलती हैं, जो दोनों क्या करती है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुँचाती हैं। उसके बाद मशीन्स, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं फैक्ट्री में, उनके द्वारा भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन फैलता है। लाउड स्पीकर्स, जब कहीं बर्थडे पार्टी उठी रहता है, कोई भी पार्टी होगा, शादी वगैरह हो गया है, कोई भी किसी तरह भी तरह का पार्टी होता है, उसमें जो बड़े बड़े डीजे लगे होते हैं, ठीक है, उन लाउड स्पीकर के द्वारा जो भी साउंड निकलता है वो भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को काफ़ी ज़्यादा हार्म पहुँचता है। और भी क्या क्या हो सकते हैं, किचन के अप्लाइंसेस, यानी कि जो किचन में ग्राइंडर होता है, ठीक है, ग्राइंडर नहीं होता है इति पीसने वाला, मसाले पीसने वाले, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से आवाज़ निकल घर 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 करता रहता है, तो उससे भी क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है। तीस तरीके से हम बता सकते हैं किस किस वजह से नॉइज़ पॉल्यूशन प्रोड्यूस होता है और नॉइज़ पॉल्यूशन इन्वायरमेंट को क्या करता है, नुकसान पहुँचाता है। अब देखो कह रहा है व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज़ पॉल्यूशन, ये तो हमने जाना कि नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, अब इससे दिक्कतें क्या क्या होती है खासकर इंसानों को, यानी कि जो इंसान होते हैं उनको क्या क्या दिक्कत होता है नॉइज़ पॉल्यूशन से। देखो सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, उनको हो सकता है वो बहरे हो जाएं, अगर ढेर उनको नॉइज़ पॉल्यूशन की दिक्कतें होती हैं तो हो सकता है क्या हो, कुछ देर बाद वो बहरे हो जाएं और उनको सुनाई ही नहीं देगा, ठीक है। कह रहा है कि बहुत ज़्यादा जब एक्सेसिव साउंड हो जाता है, जब बहुत ज़्यादा एक्सेसिव नॉइज़ हो जाता है इन्वायरमेंट में, हो सकता है उसके कारण आप लैक ऑफ स्लीप, यानी कि आप सो ना पाए, यानी कि रातों को आपको हो सकता है आप अच्छे से नींद ना आए, जिसके वजह से क्या होगा, आपको हाइपर टेंशन हो जाएगा, कि हाई ब्लड प्रेशर होगा, कि जब ब्लड का प्रेशर होगा वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएगा, नहीं कहते हैं हाई बीपी आपका हाई हो गया है, तो बीपी का फुल फॉर्म ही होता है ब्लड प्रेशर, हो सकता है
उस साउंड की वजह से, इरिटेटिंग की वजह से आपका क्या हो, बीपी हाई हो जाए, आपको एनजाइटी हो जाए, यानी कि आपको टेंशन हो जाए, ठीक है। हो सकता है इसके कारण, यानी कि नॉइस पोल्यूशन के कारण आपको किसी भी तरह का डिसऑर्डर हो जाए, डिसऑर्डर यानी किसी तरह का बीमारियाँ हो जाए, ठीक है, जिससे कई सारे हो सकता है दिक्कतें हो सकती हैं, जिसकी वजह से आप बहरे भी हो सकते हैं, लिखा है ना, टेम्परेरी हो सकता है आप क्या हो, इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग है, हो सकता है कुछ समय के लिए आप अपना मतलब दिमाग की मतलब जो कान होता है सुनने की क्षमता होती है वो खो दे। तो यही कह रहा है कि ये नॉइज पोल्यूशन के क्या इफेक्ट हैं, जिसकी वजह से इंसानों को भी तकलीफ होती है और पेड़ों को तो होती ही होती है। अब लास्ट टॉपिक आता है, कह रहा है कैसे हम नॉइज पोल्यूशन को रोक सकते हैं। अब जैसे बता जितना भी रीज़न आ रहे थे, चाहे डीजे हो, चाहे बड़ी बड़ी मशीनें हो, चाहे ट्रैफिक वगैरह हो, चाहे कोई भी एरिया हो, चाहे क्लासरूम हो, चाहे डीजे हो, चाहे किचन हो, क्या करें हम सब पे कंट्रोल लगाएं, ताकि हम जब ट्रैफिक में रहें तो बेफालतू के हम हॉर्न ना बजाएं, ठीक है। मशीन जो बड़े बड़े मशीन्स होते हैं उनके साउंड को कैप्चर करने के लिए हम कोई सिस्टम डेवलप करें, ठीक है। क्लास वगैरह में ज़्यादा शोर शराबा ना करें, ठीक है। तो सब चीज़ों को हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से नॉइस पॉल्यूशन क्या होगा, कम हो जाएगा। जैसे लिखा है यहाँ पर, टू कंट्रोल नॉइस, यदि नॉइस को कंट्रोल करना है तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा क्या, सोर्स ऑफ नॉइस को, कि जहाँ से नॉइस प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम कंट्रोल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल है, जो गाड़ियाँ हैं, फोर व्हीलर टू व्हीलर जो हॉर्न बजाती हैं उनको रोकना पड़ेगा, ठीक है। यानी कि कहना पड़ेगा कि आप हॉर्न न बजाइए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, दिक्कतें हो रही हैं। जो लाउड स्पीकर बजते हैं डीजे पार्टी में, वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, साउंड को थोड़ा स्लो कर सकते हैं, थोड़ा धीमा कर सकते हैं, भाई तेज न बजाओ, थोड़ा धीरे धीरे बजाओ, कोई दिक्कत नहीं है, हम नाच लेंगे इसी में, ठीक है। तो हम ये सब क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमको नॉइस पॉल्यूशन की दिक्कतें नहीं आएंगी, ठीक है। तो बस यही था चैप्टर आपका, नॉइस साउंड जो भी था। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर।